हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिफ्थ क्लास का हिंदी का पहला पाठ रीड करवाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, ये आप लोगों की हिंदी की पुस्तक है, इसका जो कवर पेज है। फिर है फर्स्ट लेसन है आपका हम भारत के भरत। तो हम आज दिनांक 8 अप्रैल 2020 के दिन हिंदी का पहला पाठ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, पाठ का नाम है हम भारत के भरत। इसमें बताया गया है कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। कवि कहता है कि हम भारतवासी जो हैं वो सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान शक्तिशाली हैं। हम शेरों के बच्चों के साथ खेलने का भी साहस रखते हैं। आगे है, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो कवि कहता है कि हमारे देश हिंदुस्तान के समान दुनिया का कोई भी देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। कवि कहता है कि भारत जैसे देश की भूमि में जन्म लेना बड़े ही गौरव की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो कवि कहता है कि हमें साहस और वीरता के जो गुण हैं ना, वो अपने पूर्वजों से विरासत यानी उपहार में मिले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि संतान का क्या अर्थ होता है। संतान का अर्थ होता है औलाद, ठीक है। दुनिया, दुनिया का अर्थ होता है संसार। पैदा होना का अर्थ होता है जन्म लेना। और साहस का अर्थ होता है हिम्मत। सौगात का अर्थ होता है उपहार या भेंट। आगे हम देखेंगे दूसरा इसका जो पैराग्राफ है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। कवि कहता है कि बच्चों की वीरता का वो वर्णन करता है कि बच्चे ये कह रहे हैं कि हम छोटी छोटी चिंगारी जो हैं वो बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती है। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। भी कहते हैं कि यहाँ बगीचों में फूलों से पहले क्या है, कांटे आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। कवि कहता है कि हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियां फैलाते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। भी कहते हैं कि हम अपने देश के लिए जीते और मरते तो हैं ही, क्योंकि हमारा जो भारत देश है उसके समान हिंदुस्तान में कोई भी देश नहीं है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, जैसे कांटे जो इन्होंने कहा है ना, तो कांटे का अर्थ इन्होंने कष्ट या दुख से लिया है। तो कांटे का अर्थ है कष्ट या दुख। और फूल का अर्थ लिया है इन्होंने आनंद या सुख। दहकते, दहकते का अर्थ इन्होंने लिया है दुखी होना, दहकना यानी दुखी होना। महकते, महकना यानी सुख शांति के लिए काम करते रहना। और अंत में है शान, शान का अर्थ होता है गर्व। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फिफ्थ क्लास की हिंदी का पहला जो पाठ है वो अध्ययन किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी का जो चैप्टर है वो हम कल करेंगे। थैंक यू।